हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब। हम आजकल किसी भी चैनल पे जाइए, यूट्यूब पर जाइए, बागेश्वर धाम की सरकार की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि वो कैसे किसी के आने के पहले, उसके प्रश्न पूछने के पहले बागेश्वर धाम सरकार के जो गुरुजी हैं धीरेन शास्त्री जी, वो कैसे उसका प्रश्न पढ़ देते हैं। आइए देखते हैं इनकी पीछे कौन है, इसका सारा कुछ देख के पता करते हैं कि आखिर कहाँ से ये पहले से पता करते हैं सारी बातें। अब इसके बारे में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप इतने फॉलोअर्स बनाते हैं, अगर आप इतनी दूर दूर अपनी यात्रा करके आते हैं, अगर आपको इंग्लैंड जैसे देश के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति मिलती है, तो ये कोई पर्दाफाश करने की चीज़ नहीं होती। इसके पीछे ज़रूर इंसान की खुद की कुछ ख्याति होती है, इसके पीछे कोई और नहीं है। बागेश्वर धाम जिसको कहा जाता है, बागेश्वर सरकार जिनको बोला जाता है, ये कोई और शक्ति नहीं है, ये सिर्फ हनुमान जी की शक्ति है जो बागेश्वर धाम के गुरु जी धीरेन शास्त्री जी को इतना अनुभव देती है। एक सिक्स्थ सेंस की जो प्रक्रिया है, जो सिक्स्थ सेंस कहते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं, वो शक्ति देती है। इसी के कारण व्यक्ति जो है आपके प्रश्न पूछने के पहले ही प्रश्न बता देता है कि आपके मन में कौन सी शंका है। इस पर्दाफाश करने की प्रक्रिया के पीछे बहुत सारी रिसर्च की गई, काफ़ी सारे वीडियोस देखे गए, गुरुजी से मिला गया, देखा गया कि आखिर ऐसा क्या बात है, ऐसी कौन सी, इसके पीछे ऐसा कौन सा षड्यंत्र है कि ये इतने सारे फॉलोअर्स बना रहे हैं, इतनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो सब कुछ, सब लोग जब परेशान हो गए, हर तरफ से जांच पड़ताल कर ली, न्यूज़ रिपोर्टर्स, मीडिया रिपोर्टर्स सभी वहां पर पहुंच गए, फिर आखिर में सभी लोगों ने इस बात पर अपना जो अभिमत है वो जारी किया कि ये शक्ति किसी और की शक्ति नहीं है, ये भगवान बजरंगबली की शक्ति है जो कि हर जगह उपस्थित रहते हैं और उन्हीं की भक्ति करके जो धीरेन शास्त्री जी हैं उन्होंने ये सिक्स्थ सेंस को अपनी जो जागृत किया है। इसके पीछे कुछ और नहीं है, उनकी खुद की जो उन्होंने योग किया है, जो ध्यान किया है, जो भक्ति की है, वही उसी बजरंगबली की एक शक्ति है। इसी के कारण वहाँ पर अर्जी लगती है और अर्जी जब पूरी होती है तो उसकी पेशी होती है। ये पूरी एक जो कोशिश है, ये भगवान के लिए, आपके ध्यान के लिए और समर्पण के लिए, और जो आप मेडिटेशन करते हैं, जो भगवान की समाधि लेकर बहुत लंबी तपस्या करते हैं, उसी का एक प्रतिफल है। कई लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये तर्क कुतर्क भी करते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये पाखंडी है, ये जो व्यक्ति है इसके पीछे कोई नहीं है, ये बस पैसे हड़पने की कुछ साजिश है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए जांच पड़ताल भी कर ली है, जा के षड्यंत्र भी रच ली हैं, बहुत सारे शक भी कर लिए हैं। लेकिन अभी अभी जब गुरुजी यहाँ से फॉरेन होकर आए, इंग्लैंड होकर आए, और उनको इंग्लैंड की जो वहाँ का सरकार है, रानी एलिजाबेथ है, उनके जो प्रतिनिधि आकर उन्हें मिले और उनको वहाँ पर सम्मानित किया, तभी सभी लोगों के जो भी हंसी मजाक उड़ाने वाले लोग थे कि इतनी कम उम्र में धीरेन शास्त्री ने इतनी कैसे प्रतिभा प्राप्त कर ली, इस तरीके से कैसे इन्होंने अपना जो है फॉलोअर्स बढ़ा लिए, अपनी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ा ली, इस सब के पीछे जो साजिश थी वो पूरी खुलकर आ गई। क्योंकि आप देश में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विदेश में भी भारत का सम्मान करने वाला कोई इतना महान व्यक्ति जो भगवान बजरंगबली का भक्त है और जो इस बात को सिद्ध कर रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में, तो ये किसी और की शक्ति नहीं है, ये बागेश्वर धाम की शक्ति है। और इसी बात का पर्दाफाश हुआ है कि हर व्यक्ति जो किसी प्रकार की साधना प्राप्त करता है, उसके पीछे भी एक बहुत विशेष साधना होती है जो कि अदृश्य होती है। उस साधना को, उस तपस्या को इंसान देख नहीं पाता, तो इस प्रकार की बातें करता है। तो ये जो सारी बातें हैं और जो ये षड्यंत्र के जो नाम दिए गए हैं, ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये उन लोगों की एक साजिश है जो लोग किसी की प्रगति देखकर या किसी की तरक्की देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास, खुद के पास ये शक्ति नहीं होती। बस यही इस वीडियो में कहने के एक प्रयास किया गया है। जय बजरंग बली, जय श्री राम राजा सरकार, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय शास्त्री जी, और जो वहाँ का बागेश्वर धाम है उनके सन्यासी जी की भी जय हो। और इस प्रकार से इस धर्म को, इस जो शक्ति है, इस पर किसी भी प्रकार का संशय करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें।